तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा ये आपको गाइस पता होगा, ये एक स्प्रे पेंट वाली मशीन होती है। ये कुछ ये जो स्प्रे वाले कैन आते हैं इनकी तरह ही काम करती है, पर ये एक बार यूज होने के लिए होते हैं, रीफिल नहीं होते। और ये इसमें यहाँ ऊपर से पेंट डाल के यहाँ से नीचे कंप्रेसर में जुड़ जाती है, तो इसको बिना कंप्रेसर के यूज़ नहीं करते। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इसको बिना कंप्रेसर के कैसे यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही चीप भी है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ये मशीन चाहिए स्प्रे पेंट वाली। ये गाइस आपको 350 से 400 तक की मिल जाएगी टूल्स वाली शॉप पे। और गाइस आपको क्या चाहिए, आपको दो ये पाइप्स चाहिए, ये भी आपको जहाँ से मशीन मिलेगी वहीं से मिल जाएंगे। और गाइस एक ये टी चाहिए, ये भी गाइस आपको इसी के साथ सारा कुछ मिल जाएगा। और मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो एक साइकिल का वॉल होता है वो वेल्ड कर लिया है। अब हमें बस क्या करना है, इसकी एक साइड हम इसके अंदर लगा देंगे। और गाइस इसका कंप्रेसर बनाने के लिए मैंने एक ट्यूब ली है, आप कोई भी ट्यूब ले सकते हो, चाहे तो इससे बड़ी भी ले सकते हो। और अब इसका एक ये इसके अंदर फिट कर देंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे मैंने सिंपली सारी पाइप जोड़ दी है, यहाँ से ट्यूब के अंदर जोड़ दी और यहाँ से बीच में से जोड़ दी। अब गाइस इस पाइप को हमें इसके अंदर लगाना है, पर ये लूज़ है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इसके साथ आता है बहुत लूज़ है, तो मैंने एक ये अलग से लिया है। ये गाइस गैस स्टोव के साइड में लगा होता है वो है, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे टाइटली फिट हो जाएगा। अब गाइस इस पाइप को यहाँ पे लगा के मैं यहाँ से इस ट्यूब के अंदर एयर फिल कर लूँगा। चलो फटाफट से मैं इसके अंदर हवा भर के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैंने इस ट्यूब के अंदर हवा भर ली, अभी कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। ये तो गाइस अब देख पा रहे हो कि इसमें यहाँ से थोड़ी सी हवा लीक हो रही है, तो इसके लिए इसे अच्छे से टाइट करना होगा। वगैरह अब इसमें किसी भी तरीके की लीकेज नहीं है। अब हम इसमें पहले एक बार पानी को चला के देखते हैं, फिर बाद में इसमें पेंट डाल के चलाएंगे। तो गाइस आप भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये स्प्रे कर रहा है। अब हम एक बार इसमें पेंट डाल के भी चला के देखते हैं कि ये अच्छे से पेंट करता भी है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसमें पेंट डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें ये ऑयल डालेंगे जिससे कि ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा और मशीन में आराम से जाएगा। और गाइस अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये सेपरेट डाल दूंगा जिससे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो गाइस अब मैं इसके अंदर ये पेंट डालता हूँ और फिर इसको चला के देखते हैं। तो गाइस अब इसको चेक करते हैं, तो मैं इसी लोहे के पीस के ऊपर इसको पेंट करके देखता हूँ। तो गाइस आप भी देख सकते हो इसने कितने अच्छे से इसको पेंट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये स्प्रे वाला मैं कैन यूज़ कर रहा हूँ। चलो इसको पूरा ब्लू कर देता हूँ। तो गाइस आप भी देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अभी इसका ये पेंट गिला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और अच्छी सी वीडियो में। गाइस ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना।